आज शाम को बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार दी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अब जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है तो हमारी सरकार बन गई। कार्तिकेय सिंह का मामला हो या बालू के खनन कार्यालय में जाकर जिस तरह से खनन पदाधिकारियों को धमकी दी गई और आज तक किसी भी मामले में कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया, या पिरमौर थाना के अंदर जिस तरह से अनवर अहमद और राजद के समर्थकों ने थाने में घुसकर डीएसपी की वर्दी फाड़ना और धमकी देने का काम किया, तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रिव्यू मीटिंग किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसमें बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत हैं, लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए।